हाय फ्रेंड्स, हिंदी डिकोडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्याय में हमने जमीन के माप, जमीन से जुड़े पटवार में इस्तेमाल होने वाले शब्द, कृषि शब्दावली और गांव से जुड़े वह उर्दू के शब्द जिनके जो शब्द हम सुनते तो आते हैं लेकिन जिनके अर्थ हमें बहुत कम मालूम होते हैं, ऐसे शब्दों पर हमने पिछले अध्याय में चर्चा की थी। आज भी हम उसी श्रृंखला को जारी रखेंगे और आगे उर्दू के शब्दों का हिंदी में अर्थ जानेंगे जो कि जमाबंदी शब्दावली है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं आज का पहला शब्द लगान। लगान का अर्थ है मुजारे से मालिक को मिलने वाली राशि या जिंस, पैमाना हकीयत, शामलत भूमि में मालिक का अधिकारी, सर्वर्क आरंभिक पृष्ठ, इंडेक्स पृष्ठवार सूची, नक्शा कमी बेशी, पिछली जमाबंदी के मुकाबले में क्षेत्रफल की कमी या वृद्धि, वाजिबुल अर्ज, ग्रामवासियों के ग्राम संबंधी रस्में या रीति रिवाजे, वारसत, उत्तराधिकार, मुतवफी, मृतक, हिब्बा उपहार, व्यय हक शुफा, भूमि खरीदने का न्यायालय द्वारा अधिकार, रहन बा कब्जा, कब्जे सहित गिरवी, आड़ रहन बिला कब्जा गिरवी, रहन दर रहन मुतहिन द्वारा कम राशि में गिरवी रखना, सेकंड रहन राहिन द्वारा मुतहिन के अलावा किसी अन्य के पास गिरवी रखना, फकुल रहन गिरवी रखी भूमि को छुड़ा लेना, तबादला भूमि के बदले भूमि लेना, बाय जमीन बेच देना, पड़त सरकार राजस्व रिकॉर्ड रूम में रखी जाने वाली प्रति, पड़त पटवार रिकॉर्ड की पटवारी के पास रखी जाने वाली प्रति, मुसन्ना असल रिकॉर्ड के स्थान पर बनाया जाने वाला रिकॉर्ड, फर्द का अर्थ है नकल, फर्द बंदर राजस्व रिकॉर्ड में हुई गलती को ठीक करना, मिन भाग, गिरदावरी खेतों का फसलवार निरीक्षण, जिंसवार फसलवार जिंसों का जोड़, फसल खरीफ सामने की फसल, खराबा प्राकृतिक आपदा से खराब हुई फसल, फसल रबी आषाढ़ी की फसल, पुख्ता औसत झाड़ पैदावार के अनुसार पक्की फसल, साबिक भूतपूर्व पूर्व या फिर पुराना, हाल वर्तमान मौजूद, बदस्तूर जैसे का तैसा यानी कि पूर्ववत, तकावी फसल ऋण कुर्की अटैचमेंट, दस्तक राइट ऑफ डिमांड, नीलाम खड़ी बोली द्वारा बेचना, बिला हिस्सा जिसमें भाग ना हो, मिंचानी की ओर से बनाम के नाम, जलसा आम जनसभा, बशनाखत की पहचान पर, पिसर या वल्द होता है पुत्र, दुख्तर सुपित्री को कहते हैं, वालिद पिता और वालदा माता को कहते हैं, वल्दियत का अर्थ है विधवा, हमशीरा बहन, हद सीमा हदूद सीमाएं, सह हदा तीन गांवों की एक स्थान पर मिलने वाली सीमाओं पर पत्थर, बखाना कास्त का अर्थ है कास्त के खाने में दर्ज, सकुनत निवास स्थान, महकुकी काट कर दोबारा लिखना, मसकुकी बिना काटे पहले लेख पर दोबारा लिखना, बुजी सर्वेरी सर्वेक्षण का पत्थर, चक तशखीश बंदोबस्त के दौरान भूमि की पैदावार के अनुसार तहसील की भूमि का निर्धारण करना, दो फसली वर्ष में दो फसलें उत्पन्न करने वाली भूमि में खेतों की जो सीमा होती है उसे कहते हैं, गोरा देह भूमि गांव के साथ लगती भूमि, हकदार माली भूमि, इकरारनामा आपसी फैसला, खुश हैसियत अच्छी हालत, महल ग्राम कला बड़ा खुर्द छोटा, जदीद नया माल गुजारी भूमि कर, तरमीम बदल देना गोत वंश का गोत्र, जमा भूमि कर, झलार नदी नाले से पानी देने का साधन, कारगुजारी प्रगति रिपोर्ट, खाका प्रारूप। तो दोस्तों, ये हमने जाने कृषि से संबंधित या गांव से संबंधित शब्दों के अर्थ जो कि उर्दू में बोले जाते हैं लिखे जाते हैं। इस तरह के प्रश्नों के उत्तर प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतर इन शब्दों के अर्थ पूछ लिए जाते हैं, तो उस दृष्टि से ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है। धन्यवाद दोस्तों। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों को सुनने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो।